श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस CS310 PHP एंड MySQL सब्जेक्ट में आज हम बात करेंगे PHP लूप्स के बारे में। PHP लूप्स का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें ब्लॉक ऑफ कोड्स को अगेन एंड अगेन नंबर ऑफ टाइम्स तक रन करवाना होता है। हमारी कंडीशन ट्रू है एंड उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए हमें सेम ब्लॉक ऑफ कोड की ज़रूरत है, तब हम लूप्स का यूज़ करते हैं। PHP में लूप्स के मैनी टाइप्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल वाई लूप, डू वाई लूप, फॉर लूप, फॉर ईच लूप। वाई लूप में जब हम कंडीशन को टेस्ट करते हैं और उसकी कंडीशन ट्रू होती है तब ये ब्लॉक ऑफ कोड का एग्जीक्यूट करता है। डू वाई लूप में जब कोड एक बार एग्जीक्यूट होता है उसके बाद कंडीशन को चेक किया जाता है और अगर कंडीशन ट्रू होती है तभी एग्जीक्यूट होता है। फॉर लूप में स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स के अंदर हमें ब्लॉक ऑफ कोड का एग्जीक्यूट कराना होता है। और फॉर ईच लूप एरे के एलिमेंट्स को यूज करके और कंडीशन को टेस्ट करके एग्जीक्यूट किया जाता है। PHP while loop एक ब्लॉक ऑफ कोड का एग्जीक्यूट करता है जब उसकी कंडीशन ट्रू होती है उस टाइम तक, और तब तक एग्जीक्यूट करता है या रिपीट करता है जब तक उसकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती है। इसका सिंटैक्स होता है वाइल कंडीशन इज ट्रू कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। फॉर एग्जाम्पल हम एक प्रोग्राम देखते हैं जिसमें हम नंबर्स लेते हैं 1 to 5 जो डिस्प्ले हो रहे हैं। इसमें $x नाम का एक वेरिएबल लिया जिसमें वैल्यू पुट की 1। वाइल अगर $x की वैल्यू लेस देन एंड इक्वल है 5 के तो ये इको करेगा द नंबर इज $x जो उसकी प्रेजेंट वैल्यू है वो, एंड देन इंक्रीमेंट ऑपरेटर के थ्रू $x की वैल्यू प्लस प्लस हो जाएगी। स्टार्टिंग में $x की वैल्यू 1 है, $x लेस देन इक्वल्स टू 5, वैल्यू ट्रू, देन एग्जीक्यूट होगी x की वैल्यू 1, देन ये रिपीट होगा और उसकी वैल्यू प्रिंट होगी 2 लेस देन इक्वल्स टू 5 एंड वैल्यू प्रिंट होगी 2। फिर ये रिपीट होगा, इसकी वैल्यू 3 लेस देन इक्वल्स टू 5 एंड एग्जीक्यूट होगी वैल्यू 3। ये तब तक रिपीट होगा जब तक इसकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। अब ये लास्ट स्टेप पे आया, जैसे 5 लेस देन नहीं है बट इसके इक्वल है, एग्जीक्यूट होगी वैल्यू 5। अब ये प्लस प्लस इंक्रीमेंट होकर वैल्यू लाएगा 6 लेस देन नहीं है, नॉट इक्वल है, तो यहाँ पे हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई और हमारा आउटपुट जो होगा वो यहीं तक प्रोड्यूस होगा और उसके बाद हमारा जो स्टेटमेंट चल रही है वो एग्जीक्यूट होकर लूप से बाहर आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हमने एक और प्रोग्राम बनाया है जिसमें हमारे $x की वैल्यू 0 है। जब हम वाइल लूप के अंदर $x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू रखेंगे 100 के तो ये तब तक प्रिंट होगा जब तक हमारी वैल्यू कंडीशन ट्रू है, फॉल्स होते ही ये लूप से बाहर आ जाएगा। तो हम चेक करेंगे $x की वैल्यू 0 लेस देन इक्वल्स टू 100, दैट्स वैल्यू ट्रू, इको करवाएगा द नंबर इज $x, $x की वैल्यू स्टार्टिंग में इनिशियल वैल्यू 0 है तो हमारे पास आउटपुट 0 प्रिंट होगा। x प्लस मीन्स x इक्वल्स टू x प्लस 10, मीन्स 0 की वैल्यू 10 से प्लस हुई तो इसमें डायरेक्ट जो हमारी वैल्यू आएगी वो 10 आएगी। अब इंक्रीमेंट होकर x 10 लेस देन इक्वल्स टू 100 के, दैट्स वैल्यू ट्रू, ये इससे लेस देन है, इको करेगा 10 एंड देन फिर प्रिंट होके आएगी वैल्यू 10। 10 के बाद ये x प्लस 10 करेगा तो 10 प्लस 10 20 हो जाएगा एंड वैल्यू फिर से यहाँ पे प्रिंट होगी 20 लेस देन इक्वल्स टू 100, यस ट्रू, देन इको प्रिंट होगा 20। ऐसे जब तक कंडीशन हमारी 100 के इक्वल नहीं पहुंच जाएगी ये कंडीशन चलती रहेंगी। जैसे ही हमारी वैल्यू 100 के इक्वल होगी, 100 लेस देन इक्वल्स टू 100, 100 लेस देन नहीं है बट इसके इक्वल है तो हमारी वैल्यू प्रिंट होगी x में 100। अब हमारी वैल्यू 100 प्लस 10 होते ही 110 हो जाएगी। जब ये वापस लूप पर जाएगा तो 110 ना तो लेस देन है ना इसके इक्वल है तो हमारा जो स्टेटमेंट है कोड वो लूप से बाहर आ जाएगा और हमारी जहाँ तक वैल्यू पहले प्रिंट हुई थी वहीं तक हमें आउटपुट प्रोड्यूस होगा। अब हम बात करते हैं PHP डू वाई लूप के बारे में। डू वाई लूप में जो ब्लॉक ऑफ कोड होता है एटलीस्ट वो 1 time एग्जीक्यूट होता है, देन कंडीशन को चेक करता है, अगर कंडीशन ट्रू है देन वो उसका एग्जीक्यूट करता है, अदरवाइज वो ब्लॉक ऑफ कोड से बाहर आ जाता है। इसका सिंटैक्स है डू कोड टू बी एग्जीक्यूटेड एंड देन वाइल कंडीशन इज ट्रू देन ये एग्जीक्यूट करेगा इसे। फॉर एग्जाम्पल हम एक प्रोग्राम देखते हैं जिसमें हमने $x की वैल्यू 1 ली है, 2
इको द नंबर इज एक्स, एक्स की वैल्यू हमारे पास 1 है। ये br जो है ये एक ब्रेक स्टेटमेंट है, डॉलर एक्स प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज किया, देन व्हाइल कंडीशन के अंदर हमने डॉलर एक्स लेस देन इक्वल्स टू 5 लिया। अब हमारी स्टार्टिंग में वैल्यू जब प्रिंट होगी तब हमारी वैल्यू प्रिंट होगी 1, देन ये कंडीशन को चेक करेगा 1 लेस देन इक्वल्स टू 5 की है तो ये वापस लूप पे जाएगा और उसकी कंडीशन को प्रिंट करेगा 2, देन नंबर फिर से एग्जीक्यूट होगा 2 लेस देन इक्वल्स टू 5, एक्स प्लस प्लस हुआ 3 आ गया, 3 की कंडीशन को चेक करेगा और हमारे पास आउटपुट देगा 3। ऐसे ही जब तक 5 के इक्वल पहुंचेगा तो ये 5 लेस देन इक्वल्स टू 5। अब हमारी कंडीशन लेस देन नहीं है बट इसके इक्वल है तो 5 इक्वल 5 तो हमारा जो यहाँ पे नंबर है वो 5 प्रिंट कर देगा। अब जैसे हमारी कंडीशन 6 हुई तो वो प्लस प्लस इंक्रीमेंट हुई, 6 पहले ऊपर जाएगा डू व्हाइल लूप में, चेक करेगा नंबर, देन x प्लस प्लस हुआ 6 आई वैल्यू, 6 लेस देन इक्वल्स टू 5 कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये वापस रिपीट नहीं होगा और हमारे आउटपुट जो है वो नंबर 5 तक ही एग्जीक्यूट होंगे। नॉट इन ए डू व्हाइल लूप द कंडीशन इज टेस्टेड आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द स्टेटमेंट विद इन द लूप, दिस मीन्स दैट द डू व्हाइल लूप विल एग्जीक्यूटेड इट्स स्टेटमेंट एटलीस्ट वंस। मतलब इसकी एक स्टेटमेंट को एटलीस्ट एक बार एग्जीक्यूट करवाया जाता है, उसके बाद कंडीशन को चेक किया जाता है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो हमारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती है, अदरवाइज हमारी कंडीशन है वो लूप से बाहर आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसमें हमने डॉलर एक्स की वैल्यू 6 ली, डू देन इको द नंबर इज डॉलर एक्स, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज किया, एक्स प्लस प्लस हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया एंड देन कंडीशन हमारी आई डॉलर एक्स लेस देन इक्वल्स टू 5, तो हमारा आउटपुट फर्स्ट टाइम प्रिंट होगा द नंबर इज 6, देन हमारी कंडीशन ट्रू नहीं है फॉल्स है तो ये लूप से एग्जिट हो गया। इट मीन्स ये दोबारा रिपीट नहीं होगा क्योंकि हमारी कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं है फॉल्स है, 6 लेस देन इक्वल्स टू नहीं है 5 के तो हमारा आउटपुट प्रिंट हुआ है ओनली 6। अब हम बात करते हैं पीएचपी फोर लूप के लिए। फोर लूप का यूज हम तब करते हैं जब हमें बहुत सारे नंबर ऑफ स्क्रिप्ट्स को एक साथ रन करवाना होता है। फोर लूप्स थ्रो ए ब्लॉक ऑफ कोड स्पेसिफाइड नंबर। इसका सिंटैक्स है फोर लूप इनिशियलाइज काउंटर सेमीकोलन टेस्ट काउंटर सेमीकोलन इंक्रीमेंट काउंटर एंड कोड टू बी एग्जीक्यूटेड फॉर ईच इटरेशन। मतलब जितनी बार वो रिपीटेड होगा उसकी एग्जीक्यूशन उस कोड की होगी। इसमें पैरामीटर्स का क्या यूज है, इनिट काउंटर इनिशियलाइजेशन के लिए होता है जिसमें हम वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं, टेस्ट काउंटर इवेल्युएट करता है ईच लूप इटरेशन को एंड ये इवेल्युएट करता है ट्रू कंडीशन को। जब तक लूप हमारी ट्रू कंडीशन के अंदर है लूप कंटिन्यू वर्क करेगा, जैसे ही हमारी फॉल्स वैल्यू इवेल्युएट होगी तो हमारा लूप जो है वो एंड हो जाएगा। इंक्रीमेंट काउंटर इंक्रीज करता है लूप काउंटर की वैल्यूज को। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसमें हम नंबर डिस्प्ले करवा रहे हैं 0 से लेकर 10 तक। फोर लूप लिया हमने, उसमें हमने इनिशियली वैल्यू डाली डॉलर एक्स इक्वल 0, हमारी कंडीशन रखी डॉलर एक्स लेस देन इक्वल्स टू 10 एंड इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया डॉलर एक्स प्लस प्लस, इको करवाएंगे डॉलर एक्स के नंबर को एंड ब्रेक स्टेटमेंट के यूज करेंगे। अब ये हमारा फर्स्टली लूप चलेगा 0 लेस देन है 10 से, देन ये प्रिंट करेगा 0 को, x प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा हमारी वैल्यू आई 1 लेस देन इक्वल्स टू 10 एंड देन प्रिंट करेगा वैल्यू 1। अब ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक हमारी वैल्यू फॉल्स नहीं हो जाती। अब लास्ट में हमारा नंबर है 10 लेस देन इक्वल्स टू 10, 10 लेस देन नहीं है बट इक्वल है 10 के तो हमारा आउटपुट आएगा 10, देन हमारी वैल्यू होगी x प्लस प्लस, मींस 10 से 11 पर आया, 11 आते ही हमारी कंडीशन हो जाएगी फॉल्स क्योंकि 11 ना तो 10 से लेस देन है ना 10 के इक्वल है तो हमारी वैल्यू 10 तक प्रिंट हुई और उसके बाद लूप से ये स्टेटमेंट जो है जो हमारी कंडीशन है वो एग्जिट हो गई। अब हम बात करते हैं द पीएचपी फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप वर्क्स ओनली ऑन एरे, ये सिर्फ एरे पे वर्क करता है एंड इज यूज टू लूप थ्रू ईच की वैल्यू पेयर इन एन एरे। इसमें की एंड वैल्यू पेयर होते हैं जिसके थ्रू हम एरे को रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी वैल्यू को एग्जीक्यूट करवाते हैं। द फॉर ईच लूप लूप्स थ्रू ए ब्लॉक ऑफ कोड फॉर ईच एलिमेंट इन एन एरे। इसका सिंटैक्स है फॉर ईच डॉलर एरे का नेम एंड एज वैल्यू जो है वो हमारी एक एरे की वैल्यू है। ये की एंड वैल्यू जो इसका एक पेयर है एरे का ये एग्जीक्यूट करेगा हमारे कोड को जब कंडीशन हमारी ट्रू होंगी। For every loop iteration, the value of current array element is assigned to dollar value and the array pointer is moved by 1 until it reaches the last array element. जब तक ये last array element के पास नहीं पहुंच जाता तब तक ये 1 1 pointer से shift करता रहेगा।
फॉर ईच प्रोग्राम के अंदर हमने डॉलर कलर्स एक वेरिएबल लिया जिसमें हमने एरे की वैल्यूज दी हैं रेड ग्रीन ब्लू येलो। फॉर ईच लूप में डॉलर कलर एज ए वैल्यू इको करेंगे हम वैल्यू को। कलर्स के अंदर जितनी भी हमने वैल्यूज ली हैं वो एरे की वैल्यू वन बाय वन प्रिंट होती रहेगी जब तक वो उसकी लास्ट कंडीशन तक नहीं पहुंच जाता। तो फर्स्ट हमारी वैल्यू प्रिंट होगी रेड देन ग्रीन एंड देन ब्लू एंड देन येलो। उसके बाद हमारी लास्ट कंडीशन हमारी येलो थी, येलो प्रिंट होते ही ये लूप से एग्जिट हो जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।